हेलो गाइस, हाय, हाउ आर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों की तरफ से आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल एवरीबॉडी हु इज लिसनिंग टू मी। सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। और अब मैं बताती हूँ कि अब आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। मैंने जैसे पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि आई एम अ टी लवर, तो मुझे जो चाय पीना है वो बहुत पसंद है। और चाय की तो एक तरह से एडिक्शन ही हो जाती है मुझे। 10th तक मैंने बिल्कुल चाय नहीं पी थी, मैं सिर्फ दूध ही पीती थी। लेकिन अब 10th के बाद जब हम कॉलेज में अपने एडमिशन ली, तो अपनी फ्रेंड के साथ मैंने कैंटीन में बैठ के चाय पी ली। तो उससे मुझे क्या है कि चाय की जो है एडिक्शन होने लग गई, और मैंने जो चाय है बहुत ज्यादा पीनी शुरू कर दी। और बहुत सारे लोग हैं जो चाय पीना पसंद करते हैं, तो मेरी जो चाय है वो वैसे ही बहुत अच्छी बनती है। कोई भी आता है तो कहता है कि चाय बहुत अच्छी है, और इवन कि शादी से पहले भी जो है मेरी चाय सबसे बेस्ट होती थी घर में। तो मैं जो है सबको चाय बहुत पसंद आती थी। तो मैं जो आपको आज अपना चाय का ट्रिक भी बताने वाली हूँ। आई होप यू आर रेडी फॉर दैट। तो मैं आपको अपनी स्पेशल स्पेशल टी का ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप भी अपनी चाय अच्छी बना सकते हैं और सबको इम्प्रेस कर सकते हैं। ओके, आई मुझे हर तरह की चाय पसंद है। तो और मुझे अलग अलग फ्लेवर ट्राई करना पसंद है, कहीं की भी हो चाय, चाहे वो असम की हो, दार्जिलिंग की हो। तो ये मेरी फेवरेट हॉबी है कि चाय ट्राई करना। और जो मेरी अपनी घर की स्पेशल टी है जो सब लाइक करते हैं, वो मैं आपको जरूर आज उसकी ट्रिक बताऊंगी कि कैसे वो अच्छी बनती है। बल्कि मेरी फ्रेंड भी घर पे आती है तो वो कहते हैं कि मुझे तुम्हारी चाय बहुत अच्छी लगती है, तो मैं वो तो पीकर जाऊंगी। तो मैं आज आपको अपनी जो चाय की ट्रिक है टी की, वो बताने वाली हूँ। तो आई होप आपको सबको पसंद आएगी। और हमारे ये स्टडी जी बैठे हैं तो इनको भी बहुत पसंद है। तो आज वैलेंटाइन का डे भी है, तो आज वैलेंटाइन डे पे हम अपनी ये ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आर यू रेडी फॉर दैट? चलो अभी हम जाते हैं किचन में, ठीक है? सायोनारा सायोनारा, वादा निभाऊंगी सायोनारा, इठलाती बल खाती कल फिर आऊंगी सायोनारा। नहीं, मैं जा नहीं रही कहीं भी, अभी मैं किचन में ही जा रही हूँ आपको ट्रिक बनाने के लिए। कल तक आपको वेट नहीं करनी पड़ेगी, आज ही बताऊंगी, ठीक है? ओके गाइस, ओके गाइस, हम किचन में पहुंच चुके हैं। तो ये मैंने ग्लास लिया है, तो मेरी चाय के अकॉर्डिंगली इससे हम 2 कप चाय बनाएंगे। तो आप ये इतना ग्लास है जो 2 कप चाय के लिए हम कितना पानी लेंगे? 1.5 ग्लास। ये 1.5 ग्लास पानी मैंने फ्राई पैन में डाल लिया है, जो कि मैं अब गैस पे रखने जा रही हूँ। अब ये 2 कप चाय में हम कितनी चीनी डालेंगे? हम 2 स्पून चीनी डालेंगे, ठीक है? 2 चम्मच चीनी डालेंगे, वो मैं आपको डालकर दिखाती हूँ। ये मैं डाल रही हूँ 2 स्पून शुगर, 1, आप देख सकते हैं कितना चम्मच है। और जो थोड़ी ज़्यादा पीते हैं तो वो थोड़ी सी और डाल सकते हैं, ठीक है? अब इसको पानी को थोड़ा सा गर्म होने दो। ये आप देख सकते हैं हमारी चाय तैयार हो रही है। ये सब उनके लिए जो टी लवर्स हैं, जो मेरी तरह से जिनको घड़ी घड़ी चाय पीने का शौक है, तो वो लोग तो जरूर इस वीडियो को देखिए, और आपका चाय का शौक और भी ज्यादा बढ़ जाएगा ये देखकर। और मेरी तरह से आप जितनी बार घर में चाय बनेगी उतनी बार पियेंगे, सुबह से शाम तक, जब जब जिसके लिए चाय बनती है, तो मेरा शेयर तो जरूर होता है उसमें। तो अब से आप भी जरूर पीना और अपने घर वालों को भी जरूर पिलाना, ये मेरी स्पेशल टी। तो अभी पानी थोड़ा थोड़ा हल्का सा जब गर्म होना हो, उसको बॉयल नहीं करना है, हल्का सा जब गर्म होना शुरू हो तो हम इसमें पत्ती डालेंगे। तो अभी हम ये लेते हैं टी लीव्स, आप कोई भी चाय की पत्ती ले सकते हैं। आप
ये देखिए एक चम्मच और दो कप में ये मैंने दो चम्मच और थोड़ी सी चलो और ले लेते हैं, ये इतनी चाय जो है 2.5 चम्मच के करीब डाल देनी है हमने। अभी इसको हल्का सा रहने दो, अब थोड़ी स्लो पे गैस कर देते हैं, उसको पूरी तरह से ना उबालो नहीं तो जो टेस्ट है उतना अच्छा नहीं आएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये मसाला तैयार किया हुआ है मैंने अपनी चाय के लिए, ये छोटी इलायची, मोटी इलायची, दालचीनी और एक दो जो हैं सिर्फ उसके काली मिर्च, इन सबको डालकर ये मैंने मसाला तैयार किया हुआ है। अब ये थोड़ा सा हम जो है अपना मसाला, जो टी मसाला है हमारा स्पेशल, ये हम डालेंगे चाय में, इससे जो है अत्यंत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा। ये आप देख सकते हैं इतना मसाला मैं इसमें चाय में डाल रही हूँ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे दूध, 2 कप चाय में कितना दूध डालेंगे हम, इतना दूध, थोड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा और कम कर देती हूँ मैं। आप देख सकते हैं 2 कप चाय में हम इतना दूध डालेंगे, ठीक है। अभी हमारा सब उबल चुका है तो हम इसमें ये दूध डाल देते हैं, ये आप देख सकते हैं चाय में मैंने दूध डाल दिया है। अब हम गैस को फिर से तेज पर कर देंगे और ये हमारी चाय तैयार हो रही है। कप मैंने तैयार रखा हुआ है और मैं पीने वाली हूँ इसे, 2 में से 1 कप तो मेरा है फाइनली। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है, सुंदर कलर आ रहा है चाय का। तो ये तैयार हो रही है हमारी चाय, असम की टी, माय स्पेशल टी, दिस इज अंशु टी, अंशु मोहन मसाला टी। ये हमारी चाय उबल चुकी है और इसमें देख सकते हैं अगर अच्छा कलर आ रहा है थोड़ा डार्क, तो दैट मीन्स हमारी चाय तैयार हो चुकी है, एटलीस्ट एक बार तो उबलनी चाहिए। अब हम इसे बंद कर देते हैं और अब हम इसे कप में डालेंगे। ओके गाइस, आर यू रेडी फॉर दैट? ओके गाइस, ये हमारी चाय रेडी हो चुकी है, आप इसका कलर देखिए कितना सुंदर आया है और पीने में भी ये एकदम बेहद टेस्टी बनी है। तो अभी हमारी चाय रेडी हो चुकी है और जो भी मेरे टी लवर्स हैं, आई होप उन सबको ये पसंद आई होगी मेरी रेसिपी, वो भी ज़रूर ट्राई कीजिए घर में। और इस रेसिपी से आपको एक तो जो है मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय नहीं मिले है, आपको जो है फ्लेवर एकदम पसंद आने वाला है, लेकिन ये है जिसने मेरे हाथ की चाय पीनी है उसको तो घर ही आना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये चाय, अब ये चाय कौन पिएगा, इसमें से एक कप तो मेरा है तो ये चाय अब मैं पीने वाली। गाइस आई होप आपको मेरी चाय पसंद आई होगी और ये चाय अब मैं पीऊंगी और देखते हैं किसे मौका मिलता है मेरे हाथ की चाय पीने का। तो फाइनली आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मैं आपको अपने डेली लाइफ के व्लॉग्स बनाकर दिखाती रहूंगी और आई होप यू आर इंजॉइंग और मेरे साथ जुड़े रहिए, तो आपके जुड़ने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए बनाकर लेके आती रहूं। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीबॉडी जो भी मुझे सुन रहा है, मेरी वीडियो वॉच कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे।